जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप लोग एनसीसी एग्जाम में फेल आखिर क्यों हो जाते हो। भाई लिखते तो हो, पूरी मेहनत करते हो, एग्जाम में पूरी एकदम लिखते रहते हो लेकिन फिर भी फेल हो जाते हो। जैसे किसी फेलियर से मैंने पूछा तो क्या क्या बोलना था मेरे से, भाई यार मैंने तो एग्जाम में इतना लिखा यार लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो मैं उसका रीजन बता रहा हूँ आखिर आप लोग फेल क्यों हुए। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं हमारा एनसीसी एग्जाम होता है 500 नंबर का। ठीक है, उसमें से 500 नंबर से होता है आपका 150 नंबर का फिजिकल होता है, यानी कि ड्रिल टेस्ट होता है 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का होता है ड्रिल टेस्ट। जैसे उसमें आपका ड्रिल टेस्ट हो गया और कुछ चार पांच गन रखे जाएंगे, उसको खोलना बांधना। ठीक है, और वहां पे पूछते हैं आपने जो पीआई स्टाफ होते हैं, अपने बटालियन का पीआई स्टाफ, वो पूछते हैं कौन सा गन है इसमें, मतलब कितनी गोली भरी जाती है, मतलब आपसे फिजिकली और मेंटली पूछे जाएंगे वहां पे। और कुछ गने होंगी उसको खोलना बांधना भी होता है, वो सब बताते हैं। ठीक है, पूछते हैं जैसे आपको खोलना और बांधना रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं 150 नंबर का आपका फिजिकली हो गया। उसके बाद हमारा होता है 350 नंबर का लिखित। 350 नंबर का लिखित होता है, यानी कि टोटल हो गया हमारे 500। ठीक, 350 नंबर का लिखित होता है। लिखित यानी कि अब देख लो आप लोग यही मतलब बोलते हैं लोग कि मैं भाई लिखता गया लेकिन एनसीसी एग्जाम में फेल हो गया। तो मैं आप सभी को बता दूं फेल होने का सबसे बड़ा रीजन, हमारा जो एनसीसी का एग्जाम होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो होता है चार पार्ट में या फिर तीन पार्ट में। जैसे मान लो चार पार्ट में ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सेक्शन सी और डी। ठीक है, चार सेक्शन में होता है। तो आप लोग करते क्या हो, पहले सेक्शन में खूब मतलब थोड़ा इजी रहता है, पहले सेक्शन खूब अच्छे से पूरी भर दोगे, पूरी मतलब टाइम इसमें दे दोगे ए सेक्शन में, उसके बाद बी सेक्शन में, उसके बाद भाई सी में आपको थोड़ा मतलब दिक्कत होगा, तो आप लोग बहुत कम लिखते हो। और डी वाला तो हमको लगता है कोई लिख ही नहीं पाता है भाई, एक घंटा में मतलब कहाँ से चारों सेक्शन लिखोगे। ठीक है, मतलब मैं क्या कहता हूँ आपको, एक ही नहीं भरना है, इसको किया ठीक है, इसमें जो नहीं आपको मतलब लग नहीं आ रहा है समझ में उसको छोड़ दो, फिर इसमें करो। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आ रहा है उसको वहां पे गोजना नहीं है, उसको खाली छोड़ दो। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई आ रहा है तो ही लिखो। ठीक, जैसे कि आप मान लो ए में अपना पूरा टाइम दे दोगे, फिर बी में, फिर सी और डी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए भाई चारों को एक साथ लेके चलो, चारों में से देखो कौन कौन आपको आ रहा है वो लिखना स्टार्ट कर दो, और जो नहीं आ रहा उसमें गोजा गोजी मत करो, नहीं तो आपके पीआई स्टाफ जो रहेंगे आपके नंबर भी कट जाएंगे। और हाँ, एग्जाम में कभी भी मोबाइल लेकर मत जाना। ठीक है, अगर आप मोबाइल लेकर जाते हो, अगर पकड़े जाते हो, तो आप बिना एग्जाम के आप फेल हो जाओगे और आपकी जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट रहेगी वो फाड़ी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।